जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं नवराम प्रकाश कक्षा 10 विज्ञान विषय, जिसमें अपन ने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था प्रकाश परावर्तन। प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला अपन ने पढ़ा था, सारे जो वीडियो थे वो प्रकाश परावर्तन की घटना के बीच पे था। आज जब हम पढ़ेंगे वो प्रकाश की दूसरी घटना है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश जो है दो घटनाएं होती है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन के संबंधित विभिन्न प्रकार की जो उदाहरण थे, जिसमें प्रकाश परावर्तन किसमें होता है, तो गोले दर्पणों में होता है। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में अगर पूछिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अपन ने कहा था वास्तविक और उल्टा। और अपन ने कहा था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमने कहा था आभासी और सीधा। इस प्रकार से अपन ने कुछ उदाहरण पढ़े अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग भी पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश की दूसरी घटना है। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो हम बढ़ते हैं प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा। तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथक कार्यतल से विचलित हो जाती हैं। पृथक कार्यतल से विचलित हो जाती हैं प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो पृथक कार्यतल से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में तो क्या था कि परावर्तन में तो प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में चली जाती थी जिस दिशा से वो आई है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। माध्यम से तो देखिए माध्यम होते हैं दो प्रकार से, एक तो होता है विरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। अगर हम विरल माध्यम का एग्जांपल लेते हैं तो विरल माध्यम का एग्जांपल हो जाएगा वायु, और सघन माध्यम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हो जाएगा कांच। ठीक है, तुलनात्मक अगर हम माध्यम देखें तो विरल माध्यम पानी और सघन माध्यम कांच। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम वायु और पानी ले रहे हैं माध्यम, तो विरल माध्यम यहां हो जाएगा हमारा
वायु और सघन माध्यम हो जाएगा पानी। ठीक है, तो देखिए पल्स कंडीशन में हम किस किसके बीच में कर रहे हैं, कौन कौन से माध्यम है, पहला माध्यम है हमारे यहाँ पे, तो हम ये जो पहला सेल कह रहे हैं इसमें विरल माध्यम क्या हो गया वायु और स्थगन माध्यम क्या हो गया कांच। अगर माध्यम अपने पास दो हैं, हम आगे बढ़ेंगे कि कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन, तो वायु और कांच की स्लैब क्या हो जाएंगे, दो माध्यम हो जाएंगे। तो विरल माध्यम तो वहां वायु होगा और कांच की स्लैब जो होगी वो क्या होगा स्थगन माध्यम होगा। दूसरा सेट देखिए, दूसरे सेट में क्या है कि फिर हमने दो माध्यम देखे हैं, तो यहाँ पे हम विरल माध्यम के तौर पे ले रहे हैं पानी और स्थगन माध्यम के तौर पे ले रहे हैं हम कांच। ठीक है, अगर मान लीजिए पानी, आपको पता है पानी विरल माध्यम कैसे हो सकता है और कांच, कांच एक ठोस पदार्थ है, ठोस में होते हैं अभिविकर्ण पास पास में होते हैं अर्थात उनका घनत्व अधिक होता है तो स्थगन माध्यम होगा, और पानी है पानी के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके कण तुलना करते हैं तो यहाँ पे ये विरल माध्यम हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा ये जो सेट ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं विरल माध्यम वायु और स्थगन माध्यम ये क्या ले रहे हैं पानी। वायु और पानी की अपेक्षा आपको पता है तो वायु के कण दूर दूर रहते हैं इसलिए वायु विरल माध्यम हो जाएगा और यहाँ स्थगन माध्यम क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। इस प्रकार से माध्यम के अंतर हम इस प्रकार से पढ़ पाएंगे, विरल माध्यम अगर वायु और कांच है तो वायु विरल माध्यम होगा, स्थगन माध्यम कांच होगा। ऐसे ही माध्यम का दूसरा सेट ले रहे हैं पानी और कांच, तो यहाँ पानी विरल माध्यम हो जाएगा और कांच स्थगन माध्यम हो जाएगा। अगर हम यहाँ ले रहे हैं तीसरे सेट में विरल माध्यम वायु, तो यहाँ पानी जो विरल माध्यम था अब यहाँ देखिए कैसा हो गया हमारा स्थगन माध्यम हो गया। ये तुलनात्मक माध्यम, ये माध्यम अंतर को समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब कारण क्या हो गए अपवर्तन का, कारण क्या है तो हम कारण पढ़ लेते हैं। किस कारण से अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यमों में अंतर के कारण अंतर के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, माध्यम में अंतर के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो माध्यम में अंतर के कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण से होती है माध्यम में अंतर के कारण ही प्रकाश की किरण का वेग घट व बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो तेज होती है, स्थगन माध्यम में कम हो जाती है क्योंकि माध्यम जो होता है वहां स्थगन हो जाता है, स्थगन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसका वेग जो होता है वो घट जाता है जिसकी वजह से प्रकाश की घटना संभव होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण, उदाहरण भी हम पढ़ेंगे जैसे पानी में रखा सिक्का ऊपर उठावा दिखाई देता है, दिखाई देता है तो पानी में रखा हुआ सिक्का जो होता है वो प्रकाश की अपवर्तन की घटना की वजह से क्या है थोड़ा ऊपर उठवा दिखाई देता है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होती है अपवर्तन की वजह से जो सिक्का है आपको वास्तविक स्थिति से क्या थोड़ा ऊपर उठवा दिखाई देगा जिसे अपन कहते हैं कि ऊपर
ऊपर पड़ोसी का क्या है ऊपर उठा वाली है किस घटना की वजह से प्रकाश की अपवर्तन घटना की वजह से अपवर्तन की वजह से ही पानी में जो रखा हुआ सिक्का है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दूसरा एग्जांपल किसी द्रव जैसे पानी तारपीन तेल आदि में आंशिक डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी आपको। कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई। किसी द्रव केरोसिन पानी या तारपीन में अगर हम पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल तो आपको कैसे दिखाई देगी? थोड़ी मुड़ी भी दिखाई देगी। ये भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना की वजह से ही दिखाई देती है। एक और एग्जांपल तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना की वजह से होता है। तारे जो होते हैं उनसे आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों से होते हुए उसका बार-बार अपवर्तन होता है। बार-बार अपवर्तन होने की वजह से जो प्रकाश की किरण होती है वो सीधे पथ में गति ना करके जेल मिलाते हुए हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं जिसकी वजह से अपने को तारे टिमटिमाते हुए या जेल मिलाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना या झील मिलाते हुए दिखाई देना प्रकाश की जिस घटना की वजह से ये भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना की वजह से होता है। तो आज हमने पढ़ा है प्रकाश अपवर्तन की कारण और इसके कुछ एग्जांपल। इसका एक पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश अपवर्तन के नियम। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।